हेलो एवरीवन, आज हम शेयरिंग गुड और बैड की करेंगे, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ शेयर गुड और बैड। लेकिन एक सर ने फिर से मेरे साथ ऐसा बोला कि आप अगर इतने ही हो तो बताओ मैच कौन जीतेगा। तो मुझे ना टोन से बहुत होता है कि जो आप तो फेक एस्ट्रोलॉजर हो। मैंने क्या बोला, ये मंडेन एस्ट्रोलॉजी है जहाँ पर ये जजमेंट ली जाती है कौन सी कंट्री जीतेगी और सबका मैप होना चाहिए। उसके बाद जो बाद में जो दो रह जाएंगी उसमें देखेंगे किसका सॉलिड चार्ट है, तो वहाँ से निकाल सकते हैं कि कौन विनिंग टीम है। लेकिन मैंने बार बार ये बात बोली कि जो चीज़ नहीं आती उसमें मैंने कभी नहीं कहा मुझे आती है कि मैं प्रिडिक्ट कर सकती हूँ। तो मैं फिर वहाँ जहाँ एनर्जी मेरी ख़राब हो रही हो तो मैं उनको अपने साथ नहीं रखती हूँ और मैंने उनको ब्लॉक करा। फिर बस यही एक बैड एक्सपीरियंस रहा। बाकी आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है मुझे, आपकी बेस्ट विशेज मिल रही है मुझे और मेरी हेल्थ भी ठीक है। जो आज मैं बात कर रही हूँ ना, जो पीछे चार पांच चार्ट मैंने समझाया था, आपने कहा मैडम हमें समझ नहीं आया, तो मैं उसको देखो मैंने डिटेल उसमें बता लगी है कि दोष क्या लगेगा। ये मैं पूरा डिटेल ही बताऊँगी, देखना कैसे है वो मैं आज चार्ट में बता रही हूँ। तो आप देखिए कि कैसे देखना है। बात करेंगे अगर शनि मंगल को देखता है, जैसे यहाँ पर शनि है और ये रहा मंगल, तो शनि की दृष्टि क्या होती है, 3rd, 7th और 10th। यानी ये 3rd दृष्टि है, 7th और 10th। अगर ये दृष्टि है तो रूचक योग बनता है, उसका पूरा मैंने एपिसोड बनाया हुआ है, आप प्लीज उसमें देखो कैसे देखना। अब ऐसी मंगल की शनि पर दृष्टि है, ठीक है, ये हो ससा योग। मंगल की कितनी दृष्टियां हैं, 4th दृष्टि है, 7th दृष्टि है और एक 8th दृष्टि है, तो ये भी बन रहा है, ठीक है, ससा योग। तो इसका मतलब क्या है, जो अपने भाई को पिछले जन्म में छोड़ जाता वो मैंने पूरा बताया हुआ, आप उसको सुनो, सुनोगे नहीं तो समझेंगे। ये मैं बता रही हूँ देखना कैसे, अपने अपने अपनी कुंडली में देखना। भद्रा योग, तो भद्रा योग मैंने क्या बताया था, पहले तो पापी होना चाहिए ग्रह, तो धनु में बुध ड्यूल साइन का पादकेश है, जैसे यहाँ पर मेरा धनु लगन है और बुध मेरा यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, धनु लगन में बुध मेरा यहाँ है, 7th लॉर्ड हो गए। तो अब मेरा 6th लॉर्ड कौन गया, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। अब हम लेंगे कि ये लॉर्ड यानी इस लॉर्ड का मालिक कौन है, शुक्र, ये भी यहाँ पर आ गया, यानी बादकेश ग्रह के साथ अगर 6th लॉर्ड कंजंक्ट है तो भद्रा योग बनता है। इसमें क्या है, जो अच्छा मैसेज कन्वे नहीं करता पिछले जन्म में और अपने मतलब को सिद्ध करता है, और क्योंकि बुध क्या है, लैंग्वेज का कारक है, जो रॉन्ग मैसेज से कमाता है उसको ये दोष लगता है, ठीक है। उसके बाद मैंने मालवीय योग की बात करी थी, मालवीय योग यानी शुक्र आपका यहाँ 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 यहाँ, ये चार जगह हो तो मालवीय योग बनता है, और मालवीय योग क्या है, जो पिछले जन्म में ध्यान रखता है। तो ये मैंने सारा आपको बताया था। उसके बाद कैसे देखना है सुनफा योग, ये मैं बता चुकी हूँ आपको, लेकिन देखना कैसे, आपका चंद्रमा कहीं पर है, मान लीजिए यहाँ है, उसके आगे सिर्फ सूर्य नहीं होना चाहिए, सूर्य नहीं होना चाहिए, कोई भी होना चाहिए, हो गुरु हो जाए, मंगल हो जाए, शनि हो जाए, कोई भी प्लैनेट हो जाए, तो उसको बोलते हैं सुनफा योग। सूर्य नहीं होना चाहिए इसके अलावा, तो सुनफा योग का भी मैंने पूरा आपको बता रखा। तो ये मैंने 5 योग थे जो पीछे मैंने बताए थे, और आप कह रहे मैम हमें समझ नहीं आता, आप कुंडली पे समझाओ, तो मैंने आज सारे इसमें समझा दे। मैंने कहा चलो शेयरिंग गुड और बैड में ये आज शेयरिंग कर दी कि अब आपको डिटेल समझ आ जाए। तो आपको इसी तरह, मैं टीचर नहीं हूँ लेकिन समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कैसे देखना है, और जो भी कर्स है उसको हम लोग दूर कर सकते हैं, और मैं एक्सेप्ट करती हूँ, नहीं तो इतनी हेल्थ थोड़ी होती है ज़िंदगी जितनी हम जी रहे हैं। एक्सेप्टेंस मतलब कि हमारा सच के सामना है, सच के साथ सामना है, सच को हम देख रहे हैं, उसकी कैंसिलेशन ढूंढनी है कि आगे से ऐसा नहीं करना है, यही मेरा मैसेज है। तो आगे जो योग बताऊंगी वो मैं कुंडली बना के ही बता रही हूँ कि आप लोगों को समझ नहीं आ रहा। अब ये आप लोग बताओगे कि मेरा मैसेज आप तक कैसे पहुँचा, आपको कितना समझ आया, अपनी कुंडली में वो चीज़ कैसे देखनी है, उसका कैंसिलेशन कैसे देखना है,
और वो चीज़ नहीं करनी जो मैंने अपनी वीडियोज़ में बताई हुई, जो जो कि ये दोष का मतलब क्या है, इसको कैंसिल कैसे करना, पूरा वीडियो सुनना, पहले इसमें देख लेना, अपनी कुंडली में देखना, फिर वो वीडियो सुनना, तो ऐसे आपको पूरा समझ आ जाएगा। और धीरे धीरे देखना, आप अपने आप में बदलाव करोगे तो आपकी ज़िंदगी में बदलाव आ जाएगा। तो अगली बार मिलते हैं अगले वीडियो पर।